राज्य विधानसभा के प्रथम चरण के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। यहां दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। चुनाव आयोग ने प्रथम चरण में नक्सल प्रभावित इलाकों के होने के कारण मतदान का समय 3 बजे तक रखने का फैसला किया है। यहां नक्सल प्रभावित 6 जिलों की 13 विधानसभा सीटों पर 37,83,055 मतदाता 179 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सबसे अधिक 28 उम्मीदवार भवनाथपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड में मतदान के बीच बड़ी खबर आ रही है। गुमला जिले के विष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र में नक्सलियों ने एक पुल उड़ा दिया है। विष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है। हालांकि इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। गुमला के डिप्टी कमिश्नर शशि रंजन ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि हमले की वजह से मतदान पर कोई असर नहीं पड़ा है। पुलिस ने इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। झारखंड में मतदान धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। अब तक राज्य में 7.12% वोटिंग हो चुकी है। ताजा अपडेट के मुताबिक अब तक लोहरदगा में 11.68%, डाल्टेनगंज में 10.7%, पांकी विधानसभा में 9.2%, विश्रामपुर में 9.5% वोटिंग हुई है। छत्तरपुर विधानसभा में अब तक 10.8%, हुसैनाबाद में 9.7% वोटिंग की खबर है। नक्सल प्रभावित गढ़वा में अब तक 11% मतदान हुआ है। वहीं भवनाथपुर में 10% मतदाता अब तक वोट डाल चुके हैं। झारखंड में 13 सीटों में आज सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। हालांकि सुबह मतदान केंद्रों पर भीड़ कम थी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही लोग मतदान केंद्र पर निकल रहे हैं। गढ़वा में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है। वोट को लेकर युवाओं में खास उत्साह है। गौरतलब है कि झारखंड में इस बार 5 चरण में मतदान होना है। पहले चरण के लिए शनिवार यानी 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसमें कुल 13 सीट के लिए मतदान होगा। झारखंड का काफी हिस्सा नक्सल प्रभावित है, यही कारण है कि यहां 5 चरणों में वोट डाले जाएंगे। शनिवार को जिन सीटों का मतदान होना है उनमें चतरा, गुमला, विष्णुपुर, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छत्तरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, भवनाथपुर शामिल है।